फिस्कल ईयर 2023-24 का शेयर मार्केट के लिहाज से समापन हो गया है और हर कोई अब अपने हिसाब किताब खंगाल रहा है कि उनके लिए ये साल कैसा रहा, कहाँ नफा हुआ, कहाँ नुकसान। इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ ईशा मालवीय और आप देख रहे हैं शेयर बाजार की बात करें तो यहाँ तो इन्वेस्टर्स ने जमकर मार कूटा है। निफ्टी 50 का देखें तो इसने 2023-24 में करीब 29% का शानदार रिटर्न दिया है। कोविड वाले 2020-21 के बाद से ये निफ्टी का सबसे बढ़िया रिटर्न है। यही नहीं, हाल के दौर में तमाम चिंताओं और गिरावट के बावजूद निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने 70% और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने 60% का तगड़ा रिटर्न दिया है। किसी एक ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप ने इन्वेस्टर्स को जमकर माल कमा कर दिया। टाटा ग्रुप के 9 स्टॉक्स ने, जिनमें हालिया लिस्टेड टाटा टेक्नोलॉजीज भी शामिल है, इन्होंने 257% तक का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में ऐसा तगड़ा रिटर्न मिला है कि इसके जिस स्टॉक ने सबसे खराब रिटर्न दिया है वहां भी एक साल में इन्वेस्टर्स को 11% का रिटर्न मिला है। आंकड़े बताते हैं कि टाटा टेक को हटाकर सभी टाटा स्टॉक्स का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 9.15 लाख करोड़ रुपए एक साल में बढ़ा है और ये 29.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। टाटा ग्रुप का मार्केट कैप करीब 45% बढ़ा है। अब बात करते हैं औसत रिटर्न की। टाटा स्टॉक्स ने 2023-24 में औसतन 85% का जबरदस्त रिटर्न देकर पूरे बाजार को चौंका दिया है। अब जान लीजिए कि टाटा ग्रुप के कौन से स्टॉक ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। होल्डिंग कंपनी होने के बावजूद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिटर्न की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। इसने 257% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। दूसरी ओर टाटा केमिकल्स ने 11% का रिटर्न दिया है। जिन दूसरी कंपनियों ने तगड़ा रिटर्न दिया है उनमें ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, ट्रेंट, बनारस होटल्स, TRF, टाटा मोटर्स, आर्टसन इंजीनियरिंग और टाटा पावर का नाम शामिल है। टाटा मोटर्स के भारतीय कारोबार और जैगुआर लैंड रोवर की कमाई में तगड़े सुधार का असर इसके शेयर पर भी दिखाई दिया है। टाटा मोटर्स का शेयर 2023-24 में 136% चढ़ा है। टाटा पावर का मार्केट कैप इसी अवधि में 107% बढ़कर 1.26 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल नवंबर में टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग हुई थी। IPO इशू के प्राइस से ये शेयर अभी भी करीब 100% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। टाटा ग्रुप की एक और दिग्गज टाइटन कंपनी के शेयरों ने 2023-24 में 51% का रिटर्न दिया है। टाटा स्टील में 49%, टाटा कंज्यूमर ने 54% और TCS ने 21% का रिटर्न देकर टाटा ग्रुप और इन्वेस्टर्स दोनों को ही मालामाल कर दिया है। इसी हफ्ते ये भी खबर आई है कि टाटा ग्रुप अपनी 8 कंपनियों के IPO अगले 2 से 3 साल में लाने वाला है। यानी ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टर्स टाटा ग्रुप के शेयरों में पैसे कमाने से चूक गए हैं उन्हें आने वाले वक्त में और कमाई का मौका नहीं मिलेगा। टाटा ग्रुप के IPO इन्वेस्टर्स के लिए ये मौका ला सकते हैं। साथ ही ये तो कहा ही जा सकता है कि FY24 छोटे बड़े दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए टाटा ग्रुप में कमाई का साल रहा है। आपके लिए खबर प्रवीण शर्मा ने लिखी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।